जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पर लक्ष्मीकांत इसका 49th चैप्टर यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब CAG ये देखने वाले हैं। अब इसमें हम CAG की क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या रोल होता है, किस तरीके से ऑडिट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को ऑडिट करते हैं, कौन इन्हें अपॉइंट करता है और इसी के साथ क्रिटिसिज्म किस तरीके से है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 के ज़रिए इंडिपेंडेंट ऑफिस प्रोवाइड किया गया है। अब उस ऑफिस का नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब CAG। अब जो CAG है वो हेड होते हैं इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। उसी के साथ साथ जो CAG है वो कंट्रोल करते हैं एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। अब भारत में जो सेंटर है उनकी भी फाइनेंशियल सिस्टम है, जो स्टेट है उनकी भी फाइनेंशियल सिस्टम है, लेकिन जो CAG है वो दोनों लेवल की मतलब फिर वो सेंटर हो या फिर स्टेट हो, दोनों की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसे कंट्रोल करते हैं, उसे ऑडिट करने का काम करते हैं। अब और डिटेल में हम आगे देखेंगे अपॉइंटमेंट कौन करता है और इनकी टर्म कितनी होती है। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो CAG है उन्हें ओथ भी लेना होता है, जिस तरीके से जो MPs होते हैं, जो MLAs होते हैं, वो जिस तरीके से ओथ लेते हैं अपना ऑफिस संभालने से पहले, उसी तरीके से जो CAG है वो भी ओथ लेते हैं अपना ऑफिस संभालने से पहले। अब ओथ किसके सामने ली जाती है, तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो जब ओथ लेते हैं तब वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके सामने लेते हैं, लेकिन बाकी हम जितने भी देखते हैं फिर वो सेंटर से जो कनेक्टेड है, जो सेंटर से कनेक्टेड है वो मोस्टली प्रेसिडेंट के सामने ही ओथ लेते हैं। और मोस्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी और को बोलेंगे और उसके सामने ओथ ली जाएगी, लेकिन यहाँ पर मोस्टली प्रेसिडेंट के सामने ही ली जाती है अगर वो इंसान सेंटर से कनेक्टेड है तो। अगर स्टेट से है तो गवर्नर के सामने ओथ ली जाती है। अब यहाँ पर ओथ किस तरीके से होती है, तो ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ड्यूली फेथफुली एंड टू बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इल विल एंड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। अब यहाँ पर अगर आप ओथ देखोगे तो आपको मोस्टली जितनी भी ओथ है वो सब सिमिलर ही नज़र आएगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो होता है जैसे प्रेसिडेंट की ओथ में और जो MPs है उनकी ओथ में थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तो वो डिफरेंस आपको याद रखना है क्योंकि UPSC जिस ट्रेंड से जा रहा है तो हो सकता है कि जो ओथ है वो उसका भी डिफरेंस वहाँ पर वो पूछ ले कि जो प्रेसिडेंट है उनकी ओथ इसमें से कौन कौन सी चीज़ नहीं होती है प्रेसिडेंट की ओथ में, या फिर जो MP है उनकी ओथ में कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती है। तो सारे यहाँ पर ऑप्शंस देंगे उसमें से जो MP है उनकी ओथ में क्या नहीं होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है UPSC पूछ सकता है और जो बाकी स्टेट PSCs है वहाँ भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो टर्म है वो 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स है। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि अगर वो इंसान 6 साल तक रह सकता है या फिर 65 साल तक, जो भी पहले होगा। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान 60 साल में, अगर कोई इंसान 60 साल का है और वो CAG बनता है तो वो कितने सालों तक CAG रह सकता है, तो वो 5 सालों तक ही CAG रह सकता है। और अगर कोई इंसान 50 साल में CAG बनता है तो वो 56 साल का होने तक, क्योंकि यहाँ पर 6 ईयर्स है तो 56 साल का होने तक वो CAG रह सकता है। तो यहाँ पर 6 ईयर्स या 65 ईयर्स जो भी पहले आएगा वहाँ तक जो टर्म है CAG की वो रहेगी। अब उसी के साथ साथ अगर उसे रिज़ाइन करना है तो CAG रिज़ाइन भी कर सकते हैं, रेसिग्नेशन भी दे सकते हैं। अब ओथ किसके सामने लेते हैं, अपॉइंट कौन करता है, तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए रेसिग्नेशन भी देंगे तो किसके पास देंगे, तो प्रेसिडेंट के पास ही रेसिग्नेशन देंगे। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन रिमूवल जो है वो सिंपल तरीके से होगा क्या, तो नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होने के साथ साथ यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने मन के मुताबिक यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकते हैं, जब मन चाहे रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर
जैसे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जज रिमूव किए जाते हैं, उसी तरीके से ये जो CAG होते हैं वो भी रिमूव किए जाते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो किस तरीके से रिमूव किए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में हमने डिटेल में देखा हुआ है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो दो ही ग्राउंड पर रिमूव किए जा सकते हैं। वो दो ग्राउंड मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वो दो ग्राउंड कौन से हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव किए जा सकते हैं। अब CAG जो होते हैं वो भी उसी ग्राउंड पर रिमूव किए जा सकते हैं, उसी तरीके से रिमूव किए जा सकते हैं। मतलब अगर CAG के अगेंस्ट में जो रिमूवल प्रोसेस है, जो रिमूवल प्रपोजल है, अगर वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है दोनों हाउसेस में, उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पर अपना ऑर्डर देंगे उन्हें रिमूव करने का। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंस भी मिली हुई है इन्हें, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्हें भी इंडिपेंडेंस मिली हुई थी। अब यहाँ पर भी जो CAG उन्हें भी यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिली हुई है। सबसे पहली तो यह है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, क्योंकि इनका रिमूवल जो है वो काफ़ी मुश्किल है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसेस है। उसके बाद लंबी प्रोसेस के बाद दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से वो जो रिमूवल प्रोसेस है, प्रपोजल है, वो पास होना चाहिए और उसके बाद वो रिमूव किए जा सकते हैं। और दो ही ग्राउंड है जिस पर वो रिमूव किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है, इतनी आसानी से कोई भी CAG रिमूव नहीं किया जा सकता है। उसी के साथ साथ वो एलिजिबल नहीं है फर्दर ऑफिस के लिए। अब अगर कोई भी ऐसा इंसान जो फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल हो, उसे ऐसा लगता हो कि मैं फिर से रिटायर होने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब में काम कर सकता हूँ, तो वो जो गवर्नमेंट है उसके लिए काम करेगा। गवर्नमेंट जिस तरीके से बोलेगी उस तरीके से काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं रिटायर होने के बाद फिर से मुझे गवर्नमेंट का फेवर लगेगा और मैं यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकूँगा। लेकिन यहाँ पर वो एलिजिबल नहीं होते फर्दर ऑफिस के लिए, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाकर उन्हें गवर्नमेंट से कोई काम नहीं आने वाला है, आइदर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। अब यहाँ पर किसी भी स्टेट में भी काम नहीं कर सकते हैं वो, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम नहीं कर सकते हैं। उनकी जो सैलरी होती है और सर्विस कंडीशंस होती है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, और उसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी जितनी सैलरी होती है उतनी ही सैलरी जो CAG है उन्हें भी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद आता है जो सैलरी, पेंशन और एज ऑफ रिटायरमेंट है वो यहाँ पर डिसएडवांटेज हो उस तरीके से अल्टर नहीं किया जा सकता है। नहीं तो अगर गवर्नमेंट है उन्हें ऐसा लग रहा है, जैसे मोदी जी है, वो बोलेंगे मित्रों CAG जो है उनके मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर उनकी जो एज है वो कम कर देंगे या फिर जो 6 साल दिया हुआ है उसे 3 साल कर देंगे। तो इस तरीके से नहीं किया जा सकता है, डिसएडवांटेज तरीके से अल्टर नहीं किया जा सकता है। अब जो कंडीशन होती है सर्विस की, कोई भी ऐसा पर्सन जो सर्व कर रहा है इंडियन ऑडिट में या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और उसी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है CAG की, वो प्रिस्क्राइब की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा और आफ्टर कंसल्टेशन विद CAG। उसी के साथ साथ जो भी सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन होते हैं CAG के, वो सब चार्ज किए जाते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब चार्ज किए जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि बार बार वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पार्लियामेंट चैप्टर में हमने डिटेल में देखा हुआ है कि चार्ज अपॉन और मेड अपॉन में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है CAG को पार्लियामेंट में, मतलब दोनों हाउसेस में। एंड नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी actions डन by हिम। अब CAG ने अगर कोई भी एक्शन लिया हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए किसी भी मिनिस्टर को बुलाया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर अगर कोई मिनिस्टर आके बोल दे कि मैं सारे अकाउंट्स देख लूँगा, CAG का काम मैं कर लूँगा, तो इस तरीके से नहीं हो सकता है, ये नहीं कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ इंडिपेंडेंस जो है वो हमारे CAG को मिला हुआ है। अब जो हमारा संविधान है उसके आर्टिकल 149 ने पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी हुई है कि यहाँ पर जो ड्यूटीज़ और पावर्स है CAG के वो उसे प्रदान करे। और किससे रिलेटेड होनी चाहिए जो ड्यूटीज़ और पावर्स है वो, तो ऑब्वियस है कि ये है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो जो अकाउंट्स है उससे ही रिलेटेड रहना चाहिए। तो जो भी ड्यूटीज़ एंड पावर्स है वो रिलेटेड होती है यूनियन के अकाउंट से, स्टेट के अकाउंट से, या ऐसी कोई भी अथॉरिटी या बॉडी उसके अकाउंट से रिलेटेड होती है। और ये जो ड्यूटीज़ है ये कौन देता है, तो पार्लियामेंट देता है। अब पार्लियामेंट देगा ये कहाँ पर दिया हुआ है, तो आर्टिकल 149 में दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब इसी के साथ जो पार्लियामेंट है उसने CAG's ड्यूटीज़, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस एक्ट यहाँ पर लेकर आए हैं 1971 का। अब ये जो एक्ट है ये अमेंड किया गया था 1976 में टू सेपरेट अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो अकाउंट है और ऑडिट है ये सेपरेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में ये अमेंडमेंट लाया गया था। अब यही हम डिटेल में आगे देखते हैं।
तो अब ये ड्यूटीज़ क्या क्या परफॉर्म करते हैं और इनके पास पावर्स किस किस तरीके से होती है। अब ये जो होते हैं CAG, ये ऑडिट करते हैं जो भी अकाउंट्स किससे रिलेटेड होना चाहिए, टू ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब जो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स हो उससे ये ऑडिट करेंगे। उसी के साथ साथ जो कंसोलिडेटेड फंड है ईच स्टेट, हर एक स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसका भी यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर होगा उसे भी ऑडिट करेंगे। और उसी के साथ साथ जो कंसोलिडेटेड फंड रहेगा ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली भी सिर्फ दो ही यूनियन टेरिटरी में है, एक है पुदुचेरी एक है दिल्ली। तो दिल्ली और पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसका भी जो कंसोलिडेटेड फंड है उसके भी एक्सपेंडिचर का ऑडिट कौन करेगा, तो जो CAG है वो करेंगे। उसी के साथ साथ ये और भी एक्सपेंडिचर ऑडिट करेंगे किसके, तो जो कॉन्टिंजेंसी फंड होता है इंडिया का और पब्लिक अकाउंट होता है इंडिया का, उसी के साथ साथ जो कॉन्टिंजेंसी फंड होता है ईच स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर अगर हमें इन शॉर्ट बताना हो तो जो CAG है वो कौन से एक्सपेंडिचर का ऑडिट करते हैं, तो जो कंसोलिडेट फंड हो इंडिया का, स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उसी के साथ साथ कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और पब्लिक अकाउंट जो रहेगा स्टेट का और इंडिया का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन तिजोरियाँ जो है उस पर उसके जो एक्सपेंडिचर रहेंगे उसका ऑडिट करते हैं CAG। अब जो CAG है वो ऑडिट करते हैं रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, दोनों सेंटर और हर स्टेट का भी, क्योंकि हमने पहली स्लाइड में देखा था जो CAG है वो सेंटर के लिए भी वही होते हैं और हर स्टेट के लिए भी वही होते हैं। तो यहाँ पर जो भी पैसा आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है उसका भी ऑडिट CAG करते हैं, सेंटर का भी और हर स्टेट का भी। और उसी के साथ साथ ये चेक करते हैं, एक इफ़ेक्टिव चेक रखते हैं, जो असेसमेंट है, जो कलेक्शन है, जो एलोकेशन है रेवेन्यू का, वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये जो ऑडिट करते हैं रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का, ये सारे केसेस में करते हैं, जैसे कि जो भी बॉडीज़ और अथॉरिटीज़ होती है सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द सेंटर और स्टेट रेवेन्यू, ऐसी कोई भी अथॉरिटी या ऐसी कोई भी बॉडी जिसको जो सेंटर है मतलब मोदी जी है या फिर स्टेट है, मतलब हाल ही में अगर मोदी जी अगर हम आगे देखें तो आगे राहुल गांधी भी हो सकते हैं। तो आप जब वीडियो देख रहे हो क्योंकि ये सेम रहने वाला है, तो अगर आप 3-4 साल के बाद वीडियो देख रहे हो, 10 साल के बाद वीडियो देख रहे हो, तो उसमें जो भी सेंटर में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो मतलब सेंटर और स्टेट रेवेन्यू जो होता है उसके ज़रिए कोई अगर बॉडी या फिर अथॉरिटी यहाँ पर फाइनेंस की जाती है तो उसका ये ऑडिट देखेंगे, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दोनों देखेंगे। और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, PSU जो होते हैं, वो सब उसका भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर ये CAG देखेंगे। और अदर कॉरपोरेशंस एंड बॉडीज़ वेन सो रिक्वायर्ड बाय रिलेटेड लॉज, अब यहाँ पर जो भी रिलेटेड लॉज रहेंगे उसके ज़रिए अगर कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी बॉडी अगर उसका भी ऑडिट रिसीट्स और एक्सपेंडिचर यहाँ पर उसका ऑडिट करना होता है तो वो भी यहाँ पर CAG करेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कौन कौन से बॉडीज़ यहाँ पर जो CAG है वो देखेंगे। तो आपको सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी है, एक तो आपको जो सेंटर है वो याद रखना है, उसके बाद जो स्टेट है वो याद रखना है, और उसके बाद इन दोनों के बेसिस पर जो कंपनीज चल रही है वो याद रखना है, या ऐसी कोई भी बॉडीज़ जो लॉ से रिलेटेड रहेगी। तो इतनी चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी है। जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के, जो कि डेब्ट से, सिंकिंग फंड से, डिपॉजिट से, एडवांस, सस्पेंस अकाउंट, रेमिटेंस बिजनेस, ये सब जो भी रिलेटेड रहेगा सेंटर और स्टेट से, उसका भी ऑडिट ये सारे ट्रांजैक्शन का कौन करेगा, तो CAG ही करेंगे। उसी के साथ साथ ये ऑडिट करेंगे जो भी रिसिट्स है, स्टॉक अकाउंट्स है और बाकी की भी जो अकाउंट्स है, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट और व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट। हम यहाँ पर प्रेसिडेंट जब भी बोलेंगे तब ये जो भी रिसिट्स, स्टॉक अकाउंट्स और बाकी के जो भी चीज़ें रहेगी उसका भी ऑडिट CAG ही करेंगे। मतलब गवर्नमेंट से हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें उसका ऑडिट कौन करेगा, तो CAG करेंगे। उसी के साथ साथ ही ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, मतलब जो भी लोकल बॉडीज होती है उसका भी ऑडिट ये कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इन्हें रिक्वेस्ट करते हैं तो, कि ये भी चीज़ जो है, ये भी लोकल बॉडीज है, इसका भी ऑडिट कर दो यार, तो वो भी ऑडिट कौन करेगा, तो CAG ही करेंगे। ही एडवाइसेज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू
प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट शैल बी केप्ट। अब यहाँ पर ये एडवाइस भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, मतलब प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म, मतलब ये जो अकाउंट्स होते हैं सेंटर और स्टेट के, ये किस फॉर्म में रखने चाहिए, इसका भी जो एडवाइस है प्रेसिडेंट को कौन करेगा, तो सीएजी करते हैं एज पर आर्टिकल 150। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर जो भी रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट, जो अब सीएजी क्या करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे, ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट तो बनेगी ही, अब वो रिपोर्ट किसके पास देंगे, तो प्रेसिडेंट के पास सबमिट करेंगे। अब ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करेंगे, दोनों हाउसेज जो होते हैं पार्लियामेंट के वहाँ पर रखेंगे एज पर आर्टिकल 151। अब जो स्टेट में, अगर ये जो सीएजी है वो ऑडिटिंग करते हैं, क्योंकि वही स्टेट में भी ऑडिटिंग करेंगे वही सीएजी, अब जब स्टेट में करेंगे तो किसके पास देंगे, सेंटर में करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास देते हैं, स्टेट के पास करेंगे, स्टेट की ऑडिटिंग करेंगे तो किसके पास देंगे, गवर्नर को देंगे, गवर्नर क्या करेंगे, उनका जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर वो रिपोर्ट रखेंगे एज पर आर्टिकल 151। ही असर्टेंस दिस एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटीज, मतलब ये सर्टिफाई भी करते हैं जो भी टैक्सेस रहेंगे या फिर ड्यूटीज रहेंगे उसे भी, जो भी नेट प्रोसीड्स आएंगे, और उनका जो सर्टिफिकेशन रहेगा, मतलब जो सीएजी सर्टिफाई करेंगे वो फाइनल रहेगा। अब नेट प्रोसीड्स इसका मतलब क्या होता है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी, तो ये नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, प्रोसीड्स ऑफ टैक्स और ड्यूटी माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, मतलब जो भी यहाँ पर प्रोसीड्स आए हैं टैक्स और ड्यूटीज़ के माइनस उसमें से कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है वो यहाँ पर निकाल देनी है, मतलब कलेक्ट करने के लिए जो कि आपको कॉस्ट लग रही है, जिसको भी सैलरीज देनी है, वो सब आपको यहाँ पर निकाल देना है, तो उसे हम कहते हैं नेट प्रोसीड, जो भी टैक्स और ड्यूटीज़ है उसका। अब यहाँ पर ही एक्ट्स एज ए गाइड फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ होते हैं पार्लियामेंट की, अब ये जो कमिटीज़ है उसका भी मैं चैप्टर लेकर आऊँगा, वो मैंने कवर नहीं किया है तो वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, तो जो पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ होती है पार्लियामेंट की उसका ये गाइड फ्रेंड और फिलोसोफर करके एक्ट करता है, मतलब यहाँ पर वो बताएंगे किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, ये सब ये गाइड करेंगे। ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके भी जो अकाउंट्स है उसका भी कंपाइलेशन मेंटेनेंस यही करेंगे। अब सीएजी क्या करते हैं, अपनी जो रिपोर्ट है वो किसे सबमिट करते हैं, तो अगर सेंटर की रिपोर्ट देख रहे हैं वो तो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, अगर स्टेट की देख रहे हैं तो गवर्नर को करते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो इस तरीके से तीन ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के पास सबमिट करते हैं। तो कौन कौन सी होती है, तो एक होती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरी होती है फाइनेंस अकाउंट और तीसरी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग, तो इस तरीके से तीन जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट के पास सबमिट करते हैं। फिर ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, मतलब दोनों हाउसेज जो है उसके सामने ये रिपोर्ट पेश करते हैं। तो इस तरीके से ड्यूटीज़ और पावर्स हमने देखी है सीएजी की। अब यहाँ पर रोल किस तरीके का रहता है सीएजी का, तो सीएजी का पहला रोल आता है कि जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अपहोल्ड करना है, एंड द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो चीज़ें होती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, जो लॉज है पार्लियामेंट के उसे अपहोल्ड करना है, लेकिन ये किस फील्ड में रहना चाहिए, तो ऑब्वियस है कि ये पैसों से रिलेटेड है, इसलिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहना चाहिए। उसी के साथ साथ जो अकाउंटेबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव्स की, मतलब जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी यहाँ पर वो चेक करेंगे, सिक्योर करेंगे ऑडिटिंग के ज़रिए, लेकिन ये भी किस फील्ड में रहेगा, किस स्पीयर में रहेगा, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के स्पीयर में रहेगा। अब सीएजी जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सीएजी जो होते हैं वो एजेंट होते हैं पार्लियामेंट के, एंड कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, मतलब किसकी बिहाफ में ऑडिटिंग करते हैं एक्सपेंडिचर्स की, ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब क्या है कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा जो सीएजी है वो सेंटर और स्टेट दोनों का ऑडिटिंग करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत रहेगा कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। लेकिन ये सीएजी जो होते हैं वो एजेंट होते हैं पार्लियामेंट के, इसलिए अपॉइंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए यहाँ पर ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। तो इस तरीके का अगर सेंटेंस आता है तो वो सेंटेंस सही रहेगा। और उसी के साथ साथ सीएजी
has more freedom with regard to audit of expenditures than with regard to audit of receipts, storage and stock. मतलब यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जहाँ खर्चा हो रहा है, वहाँ का ऑडिटिंग का ज़्यादा इनके पास राइट होता है, सी ए जी के पास ज़्यादा फ्रीडम होता है. जहाँ से पैसा आ रहा है या फिर कहाँ स्टोर हो रहा है, उसमें इतना ज़्यादा फ्रीडम सी ए जी को नहीं मिलता है, उसके ऑडिटिंग में इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता है. तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. अब सी ए जी जो है वो असर्टन करते हैं कि जो भी पैसा जो भी अकाउंट में आ रहा है और वो किस तरीके से डिसबर्स हो रहा है, किस तरीके से जो भी सर्विस के लिए अलॉट किया गया है. अब कोई सर्विस है, सपोज़ वो सर्विस आ रही है कि दीनदयाल उपाध्याय खड्डा खोदो योजना, तो वो खड्डा खोदने के लिए कितना पैसा गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, तो उतना ही पैसा उसमें लगता है या उससे कम पैसा लगता है, ये भी ऑडिटिंग जो है ये सी ए जी कर सकते हैं, ये भी असर्टन कर सकते हैं. और उसी के साथ साथ इन एडिशन टू दिस लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिटिंग. अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑडिट कर सकते हैं जो सी ए जी होते हैं. मतलब अगर उन्हें लगता है कि जो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, अगर दीनदयाल उपाध्याय खड्डा खोदो योजना के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए डाल दिए, अब सी ए जी को ये लग रहा है कि 500 करोड़ तो लगते नहीं है खड्डा खोदने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर वो कमेंट भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो वेस्ट है और ये अच्छी तरीके से एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है सरकार के तरफ से. तो इस तरीके से भी कमेंट सी ए जी जो है वो कर सकते हैं. हाउएवर अनलाइक द लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट, अब यहाँ पर जो लीगल एंड जो रेगुलेटरी ऑडिटिंग होती है सी ए जी की, वो तो ऑब्लिगेटरी होती है, सी ए जी को करना ही होता है. लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ऑडिटिंग है, मतलब ये बताना है कि ये जो गवर्नमेंट है ये सही से पैसा खर्च नहीं कर रही है, ये स्कीम को कम पैसा लगता है लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है इस पर, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा अलॉट कर दिया है इस पर, तो ये डिस्क्रिशनरी होता है. ये बताना नहीं बताना ये सी ए जी के हाथ में होता है. लेकिन लीगल और रेगुलेटरी ऑडिटिंग जो है वो बाइंडिंग होती है और वो ऑब्लिगेटरी होती है सी ए जी को करना. उसी के साथ साथ सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर जो होता है वो सी ए जी का लिमिटेशन है. मतलब यहाँ पर सी ए जी जो है उनको जो पेपर वर्क दिया जाएगा कि सरकार पेपर पे बताएगी कि दीनदयाल उपाध्याय खड्डा खोदो योजना के लिए हमने 100 करोड़ रुपये अलॉट किए हुए हैं, तो इस तरीके से सी ए जी देखेगा और वो जो पेपर वर्क दिया हुआ है, वो जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उस पर सी ए जी को भरोसा करना ही पड़ेगा. फिर वो ग्राउंड लेवल पर जाके देख नहीं सकता है कि वहाँ पर 100 करोड़ रुपये दिया है एक्चुअल में या 50 करोड़ रुपये ही लोगों को दिए हुए हैं, 50 करोड़ रुपये सरकार ने अपने जेब में डाली है. तो इस तरीके से वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जाकर वो नहीं देख सकता है, जो पेपर वर्क दिया हुआ है, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज ने पेपर वर्क दिया हुआ है उस पर, जो सर्टिफिकेट है उस पर उसे भरोसा करना ही होता है. उसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि सी ए जी जो है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है. अब कौन सी चीज़ पर कंट्रोल नहीं होता है, जो भी पैसा बाहर निकाला जाता है उस पर कंट्रोल नहीं होता है. फिर बाहर पैसा निकलने के बाद जो ऑडिटिंग होती है वो सी ए जी कर सकता है, लेकिन पैसा निकालने के लिए सी ए जी की अनुमति नहीं लगती है. भले ही नाम क्या है यहाँ पर, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब यहाँ पर ऑडिट तो करेंगे ही लेकिन कंट्रोलर भी रहेंगे, ये ऐसा नाम दिया हुआ है. लेकिन यहाँ पर कंट्रोलर जैसा कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं आती है. अब कंट्रोलर है इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल करना चाहिए जो पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑडिटिंग कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पर जो हमारे लक्ष्मीकांत किताब में बोला हुआ है कि जो भी पैसा बाहर निकलता है उसके लिए, जो भी चेक बाहर निकलते हैं उसके लिए हमारे सी ए जी की अनुमति नहीं चाहिए होती है, इसलिए ओनली ए जी एंड नॉट कंट्रोलर. इसलिए हमारे जो सी ए जी है वो सिर्फ ए जी का ही रोल अदा करते हैं, मतलब ए जी ओ जी लो जी सुनो जी नहीं, लेकिन ऑडिटर जनरल जो होते हैं सिर्फ उनका ही रोल यहाँ पर अदा करते हैं, कंट्रोलर का रोल अदा नहीं करते हैं. वही अगर हम ब्रिटेन में देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव जो भी पैसा बाहर निकालते हैं उसके लिए सी ए जी का अप्रूवल लगता है, सी ए जी की अनुमति लगती है, इसलिए वहाँ पर उन्हें सी ए जी पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो कंट्रोलर भी है और ऑडिटर जनरल भी है. लेकिन हमारे यहाँ पर वो कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि बाहर पैसा निकालने के लिए उनकी अनुमति नहीं लगती है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो सी ए जी है वो सिर्फ ए जी ओ जी लो जी सुनो जी बनकर रह जाते हैं. अब यहाँ पर सी ए जी एंड कॉरपोरेशंस, इनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि सी ए जी और कॉरपोरेशंस का रोल किस तरीके से है. अब यहाँ पर जो रोल होता है सी ए जी का ऑडिटिंग करने के लिए, जो भी पब्लिक कॉरपोरेशंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. मतलब किसी कॉरपोरेशन में जो सी ए जी है वो पूरी तरीके से ऑडिटिंग करेंगे, मतलब 100% ऑडिटिंग सी ए जी की तरफ से रहेंगी. कोई कोई कॉरपोरेशन में सी ए जी पार्शियली ऑडिटिंग करेंगे और पार्शियली प्राइवेट ऑडिटर जो है वो आकर ऑडिटिंग करेंगे.
और कोई ऐसे कॉरपोरेशन है जहां पर सीएजी बिल्कुल भी ऑडिटिंग नहीं करेंगे, पूरी जो ऑडिटिंग रहेगी 100% वो प्राइवेट के जरिए ही की जाएगी। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सम कॉरपोरेशन आर ऑडिटेड टोटली एंड डायरेक्टली बाय सीएजी। अब वो कौन से हैं, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इनकी जो ऑडिटिंग रहेगी वो पूरी तरीके से सीएजी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कॉरपोरेशन है जो पार्शली हमारे सीएजी जो है उस पर ऑडिटिंग करेंगे और पार्शली जो है वो प्राइवेट प्रोफेशनल्स आकर यहाँ पर किए जाएंगे। जो अपॉइंट कौन करेगा, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसे अपॉइंट करेगी, लेकिन इन कंसल्टेशन विद सीएजी। यहाँ पर कंसल्टेशन किसका रहेगा, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का रहेगा। अब यहाँ पर जो सीएजी है वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर सीएजी का हस्तक्षेप रह सकता है। ऐसा नहीं है कि सीएजी का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं रहेगा, सीएजी का भी यहाँ पर हस्तक्षेप रह सकता है। वो कौन से हैं, तो सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड ये सब। और ऐसे कुछ कुछ कॉरपोरेशन है जहाँ पर टोटली प्राइवेट ऑडिटिंग की जाएगी, मतलब यहाँ पर सीएजी जो है वो बिल्कुल वहाँ पर उनका हस्तक्षेप नहीं रह सकता है। ये सीएजी जो है वो बिल्कुल पिक्चर में आएंगे ही नहीं। अब ये क्या करेंगे, सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो प्राइवेट ऑडिटर्स है ये यहाँ पर ऑडिटिंग करेंगे ये कॉरपोरेशन का, और डायरेक्टली अपनी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट को ही सबमिट करेंगे। अब ये कौन से हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो कॉरपोरेशंस है इसकी ऑडिटिंग पूरी की पूरी प्राइवेट ऑडिटर्स करते हैं और अपनी जो रिपोर्ट है डायरेक्टली पार्लियामेंट के हाथ में देते हैं। अब यहाँ पर रोल जो है सीएजी का, ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज़ ऑल्सो लिमिटेड। अब सीएजी जो है वो जो ऑडिटिंग करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ की, वो भी यहाँ पर उनका रोल लिमिटेड है। अब ये जो कुछ ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज होती है जिसको ऑडिटिंग प्राइवेट ऑडिटर्स भी करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, भले ही वो एडवाइस पे हो सीएजी के, लेकिन अपॉइंट कौन करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह यहाँ पर अपॉइंट करती है। अब सीएजी कैन ऑल्सो अंडर सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट ऑफ सच कंपनीज। हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं, हमने देखा है। अब इन 1968 ऑडिट बोर्ड स्टैब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ ऑफिस ऑफ सीएजी टू एसोसिएट आउटसाइड स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स टू हैंडल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट और स्पेशलाइज्ड एंटरप्राइजेस लाइक इंजीनियरिंग, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 1968 में एक ऑडिट बोर्ड स्टैब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ ऑफिस ऑफ सीएजी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑडिट बोर्ड स्टैब्लिश किया गया है ये एक पार्ट है सीएजी के ऑफिस का, टू एसोसिएट आउटसाइड स्पेशलिस्ट। मतलब इसमें क्या होगा, सीएजी के साथ साथ जो सीएजी ऑडिटिंग करते हैं उसके साथ साथ एक बाहर के स्पेशलिस्ट को भी यहाँ पर लाया जाएगा जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, ताकि जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है ऑडिटिंग के, ये स्पेशलाइज्ड एंटरप्राइजेज जो होती है, जैसे इंजीनियरिंग हो, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स हो, इसके लिए बाहर से एक स्पेशलिस्ट ऑडिटर को भी लाया जाएगा, एक एक्सपर्ट को भी यहाँ पर लाया जाएगा। दिस बोर्ड वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये स्टैब्लिश किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उनके रिकमेंडेशन पे किया गया था। अब इसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो एक चेयरमैन होते हैं एंड टू मेंबर्स। अब इसे अपॉइंट कौन करता है, तो सीएजी अपॉइंट करते हैं। क्यों सीएजी क्यों अपॉइंट करेंगे, क्योंकि सीएजी के ऑफिस का ये पार्ट है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ऑडिट बोर्ड है ये भी एस्टैब्लिश किया गया है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चेयरमैन होते हैं, दो मेंबर्स होते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है, सीएजी अपॉइंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रिटिसिज्म किस तरीके से हो रहा है, तो जो फंक्शनिंग है सीएजी की वो कॉर्नल रूल से चली आ रही है। उसी के साथ साथ आज जो सीएजी है वो काफ़ी पैरालाइज्ड है और अनविलिंगनेस है उनमें जो भी एक्ट करने की, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ उन्हें ऑडिटिंग किस तरीके से होती है ये पता होता है, और लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है वो उन्हें पता नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब उन्हें लग रहा है कि जो दीनदयाल उपाध्याय खड्डा खोदो योजना के लिए अगर 500 करोड़ अलॉट किए गए हैं, ऑडिटर को ये लग रहा है कि ये जो रकम है ये ज़्यादा दी गई है या इतनी रकम नहीं दी जानी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से किया जाता है वो उसे पता नहीं होता है। तो इसलिए काफ़ी शॉर्टफॉल्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो फंक्शनिंग है सीएजी की वो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से डिफाइन की गई है, उस तरीके से हमारे जो पार्लियामेंट को सौंपा गया है कि पार्लियामेंट यहाँ पर ड्यूटीज़ और फंक्शन जो है वो डिसाइड करेगा सीएजी के, तो उस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो नहीं हो पा रही है सीएजी की। उसी के तरीके से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सीएजी का जो फंक्शन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
ऑडिटर्स को ये पता होता है कि ऑडिटिंग किस तरीके से करना है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है वो उन्हें पता नहीं होता है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था। उसी तरीके से ये जो पोस्ट है काफ़ी प्रेस्टिजियस है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है CAG को। अब ऑडिटर्स को ऑडिटिंग किस तरीके से करना है वो तो पता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है वो पता नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हाईली पेडेस्ट्रियन फंक्शन विथ अ नैरो पर्सपेक्टिव एंड वेरी लिमिटेड यूजफुलनेस। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है CAG का कि ऑडिटिंग ही सिर्फ उन्हें पता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं वो पता नहीं होता है। अब ये काफ़ी यूज़फुल नहीं होता है हमारे, इसके लिए काफ़ी लिमिटेड यूजफुलनेस है इसका। अब जो डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट में, नोज मोर अबाउट द प्रॉब्लम्स इन हिज डिपार्टमेंट देन द CAG एंड हिज एंटायर स्टाफ। अब जो भी डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स पता होती है रैदर देन CAG। CAG पूरी ऑडिटिंग करते हैं, जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसके ऑडिटिंग CAG करते हैं, लेकिन एक जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है उसे ज़्यादा पता होता है जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, किस तरीके से अलॉटमेंट हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, वो सब एक डिप्टी सेक्रेटरी को पता है रैदर देन CAG एंड इट्स एंटायर स्टाफ। मतलब यहाँ पर जो CAG है उसका जो रोल है वो काफ़ी लिमिटेड है और सिर्फ दिखावटी चीज़ों के लिए ज़्यादा है, इस तरीके से बोला जा रहा है कि उन्हें सिर्फ ऑडिटिंग करना पता है, किस तरीके से सॉल्यूशंस देने हैं, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो उन्हें पता नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है, इससे सारे क्रिटिसिज्म हमें CAG के देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा CAG पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।